किसी ऐसे शैतान का बागान है जो जादुई फूल उगाना जानता है और उनका लालच देकर लोगों को अपने पास में कर लेता है। Yeah, I see you. Why is it part of the game?
ऐसी छड़ी मुझे ही तो खा दे गई। नहीं, अब इस छड़ी से तुम डांडिया खेल। जाने का रास्ता कहां से मिलेगा? तुमने हीरो को बागान में लाकर जाने कैसे दिया? सरकार वो मुझे चकमा देकर भाग निकला। साथी अभी भी मेरे कब्जे में है। मुझे उसके साथी नहीं हीरो की नबूदी चाहिए। आज तुम्हारी वजह से अच्छा खासा वकालत से चल रहा। अगर अगली बार तुमसे कोई गलती हुई तो तुम्हारे बगीचे के साथ तुम्हें भी जलाकर राख कर दूंगा। अभी मैं एक कॉमिक पढ़ता हूं ना, मुझे छोटा पापे याद आता है जिसने मुझे मोतीचूर का लड्डू खिलाया था। अब मैं हीरो को कहां ढूंढूं? जो भी कुछ बाहर फेंका जाता है वो यही आकर गिरता है। फिर हीरो यहां से कहां गया होगा? मंगू, तुम मुझे जानते हो? मैंने तुम्हारा नाम सुना है। मेरा नाम पुलिस स्टेशन में वांटेड का बोर्ड पड़ा था क्या? नहीं, वो छोटा पापा ने कहा था कि तुम्हें मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है। छोटा पापे बड़ा प्यारा बच्चा है। अब मुझे मिलेगा ना तो मैं उसे आलू पोंडे जरूर खिलाऊंगा। पर मुझे बगैर मिले तुम्हें मेरा पता कैसे चला? वो मैं हीरो को यहाँ आते देखा है? हीरो को? हाँ देखा है ना, उसे मार भी खाई थी। आपको किसी टेढ़े आदमी को सीधा करना है क्या? अगर मैं छुपकर इसका पीछा करूं तो मुझे जादुई बागान का रास्ता मिल जाएगा। ए, तुम खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? देखते नहीं तो बड़े आदमी बात कर रहे हैं। एक मिनट, मैं आपको अपनी रस्सी का कमाल दिखाता हूं। क्या कर रहे हो? पीछे ना, पीछे ना। घोड़ा समझ रखा है क्या? अरे साहब, घोड़ा हो या गधा, मेरी रस्सी से तो कोई नहीं बच सकता। क्या तो इसी बात पर ये लो। एक विशेष सूचना, शहर के कई बच्चे आज सुबह से लापता हैं। पुलिस को इस मामले में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। हैरत की बात है कि हीरो भी बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। पता नहीं वो लोग कैसे कैसे खतरों से जूझ रहे होंगे और मैं चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता हूं। मगर मुझे उन तक पहुंचना होगा, वरना वो कैटिस कोला एक एक करके मेरे सभी दोस्तों को जहरीले पौधों में बदल देगा। उन्हें मुसीबत से बाहर निकालने के लिए सब हीरो की मदद चाहते हैं, मगर मेरी मदद करने के लिए तो कोई नहीं है। Thank you.
गए तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी, किंतु अपने कर्मों के बल पर तुम्हें उनका सामना करना पड़ेगा। लेकिन दुर्गा माँ, अगर मैं उन बाधाओं तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा तो मैं उनका सामना कैसे करूंगा? तुम उस बागान तक पहुंचना चाहते हो ना? जी। तो उसके मालिक को अपने निकट आने का निमंत्रण दो, वो स्वयं ही तुम्हें राह दिखाएगा। आज फिर मुझे भूखे पेट टीवी देखना पड़ेगा। मैं ज्यादा तेज नहीं भाग सकता, मैं किसी भी मामले में अच्छा नहीं हूँ। डोरेमोन, मेरी बात सुन रही हो? हाँ, सुन रहा हूँ। डोरेमोन, ये बताओ, मैं इस तरीके से बहुत तेज भाग सकता हूँ और ताकतवर बन सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि आप सब अपने लापता बच्चों को लेकर बहुत परेशान हैं, लेकिन घबराइए मत, मुझे उनका पता मिल चुका है और कुछ ही देर में मैं चिल्ड्रंस पार्क में आप सबको उन तक पहुंचने का रास्ता बताऊंगा। बेवकूफ हीरो, खुद ब खुद कैक्टस कूला के जाल में आ गया। आप सब इन झाड़ियों के पीछे छुप जाइए, बहुत ही जल्द हमारा दुश्मन हमारे सामने हो। प्लीज। सबसे सुपर कैक्टस कारा, पहले ही मेरा जादू पूरा। तो तुम आ ही गए। इस सड़े हुए आम के अलावा और कुछ लाए हो? मेरे बागान में चलो, बहुत कुछ चखाऊंगा तुम्हें। मुझे नहीं चलना। चलना तो तुम्हें होगा ही, क्योंकि जो एक बार मेरे बागान में आ जाता है वो वापस नहीं जाता। शायद तुम वो डंडा भूल गए। एक बार बच गए हीरो, लेकिन तुम्हारा नहीं बचोगे। के लिए शुक्रिया, और इस बार जब मैं वापस जाऊंगा तो उन्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। इस बार तुम मेरे बागान में पौधा पत्थर हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे, और फिर मैं तुम्हारे दस्ताने की भेंट चढ़ाकर आज शक्तिशाली विराट का हमेशा हमेशा के लिए सबसे चहेता गुलाम बन जाऊंगा। तुम्हारे हक के साथ ही महाशक्तिशाली विराट इस दुनिया पर फिर से राज करेंगे। ये विराट कौन है? इसका इस्तेमाल किया तो अपने दोस्तों को भी सकल कर दूंगा।
का बहुत शौक है। Don't go.